मैं गढ़रबालपुर रहते हूँ, यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास आई हूँ, आर्मी ने लाया जी जी। अब गांव में भी ज़रूरत है, यहाँ कौन आएगा, किसी के पास किराया नहीं है, किसी के पास मुसीबत है, हर कहीं कहीं मुसीबत है, घर में कोई नहीं है, मुझे ज़रूरत है, अपने अपने इलाके में आने चाहिए इसको, कौन आ सकते हैं यहाँ, किसी को अभी पता ही नहीं है कि कोई अपने घर से मजबूर है, कोई जंगल है, कोई में घर में कोई नहीं है, कोई यहाँ कौन आया है अभी। मैं जो शुक्रिया अदा कर सकती हूँ जो आर्मी ने यहाँ कैंप लगा कर है, मगर मुझे भी अपने अपने गाँव में ज़रूरत है। आर्मी ने जो कैंप लगाया अच्छा है, लेकिन अब इसका प्रपोजल क्या निकलेगा वो आगे चल के पता चलेगा कि इसका क्या कैसे रहेगा, दवाई असर करेगी ना करेगी, वो आगे चल के पता चलेगा। एक्चुअली बात ये है कि कैंप जहाँ लगते हैं, जहाँ सिटी होती है, जहाँ गाड़ी मुहैया होती है वहाँ पर लगते हैं, जहाँ मतलब बाली इलाके हैं, जो मतलब यहाँ वो ऊपर इलाका है, वहाँ तो कोई भी नहीं पूछता है, साल में भी शायद कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये यहाँ जैसे कैंप लगे हैं, ऐसे मतलब वहाँ भी कैंप लगने चाहिए जो कि वहाँ के लोगों के लिए मतलब सहूलियत हो। अब यहाँ मतलब वहाँ से जो बूढ़ा है, जो 70 साल या 80 साल का जो आदमी है, वो यहाँ आ नहीं पाएगा, और उसके मजीद जो छोटे बच्चे हैं मतलब उनको भी प्रॉब्लम होती है आज के दौर में, आज के दौर में हर एक जो है मरीज़ है, तो वहाँ मतलब जो छोटा बच्चा यहाँ लेकर कोई आएगी ना, और लेडीज़ जो है ख़ास करके लेडीज़ भी यहाँ नहीं पहुँची। ये कैंप जो है ये कम से कम वो ऊपर जो एरिया है इसके सेंटर में लगना चाहिए कैंप, ताकि वहाँ से लोग हैं वो वहाँ पहुँच जाए, इसका फ़ायदा हो सकता है। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ इनका, इन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप किया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मेडिकल कैंप उन इलाकों में होना चाहिए जहाँ पे लोगों को कोई फैसिलिटी है नहीं, जैसे कि ये ऊपर पहाड़ियों पे जो इलाका है, यहाँ पे अगर इन ये लोग मेडिकल कैंप करते तो मेरे ख्याल से ठीक रहता। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे लोगों से बात करके हमें ये पता चला कि जिन जिन इलाकों में लोगों को फैसिलिटी नहीं है। अब मैं सीओ साहब को और इन डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये लोग अब इन एरिया में भी मेडिकल कैंप करें जहाँ पे लोगों को सहूलत और फैसिलिटी ना हो। इसका जो ये कैंप यहाँ पर मुनक़िद हो रहा है, इसका जो इसकी कोलैबोरेशन 34 आसाम राइफल्स के साथ है, हम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गांधरबल की तरफ से है। यहाँ हम लोगों को फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, इनको फ्री मेडिसिन देते हैं, और साथ साथ ही हम इनको अवेयरनेस देते हैं मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के बारे में। आजकल जो कोविड का सिलसिला चल रहा है, इस बारे में हमको अवेयरनेस देते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप लोग कैसे गुजारेंगे। और हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने न सिर्फ यहाँ पर इन लोगों की कोलैबोरेशन के साथ नहीं, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के तकरीबन हमने एवरी विलेज वी हैव कवर्ड, तो हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा आगे भी। बात करें तो मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो मीडियो मीडोज़ में ये मैं नाइन नाई छा मीडोज़ में जहाँ भी लोग रहते हैं।